तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही कमाल की ट्रिक, जिसको यूज करके आप दोस्तों किसी भी गाड़ी का नंबर डाल करके उसको पता कर सकते हो कि किसके नाम से गाड़ी है, और उसके पूरी डाटा निकाल सकते हो, पूरी डिटेल निकाल सकते हो। जैसे कि दोस्तों, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है, किसी भी नंबर का गाड़ी होता है, अचानक से उस नंबर को पता करना होता है कि उस नंबर का गाड़ी का नंबर जिसका है वो उसका मालिक का नाम क्या है, और वो गाड़ी की रहने कहाँ की वाली है। तो सारी डिटेल आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सिर्फ एक ट्रिक को यूज करके आप पता लगा सकते हो कि किसके नाम से गाड़ी है, और यहाँ पे उसके मालिक का नाम क्या है, और कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, गाड़ी का पूरा डिटेल निकाल सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से सिर्फ इस ट्रिक को यूज करके। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक का देखते रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर, दोस्तों एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग ट्रिक एक और बताने वाला हूँ, जिसको जान करके आप खुद बखुद मतलब कि चौके रह जाओगे, और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा वो ट्रिक जान करके। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए गाइस, आज का एक कमाल की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो यहाँ से एक लाइक जरूर कर देना, लाइक का बटन दबा करके, और आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा रेड कलर का बटन दबाकर, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो यहाँ से शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, ताकि हम लोगों को हेल्प हो सके। और एक छोटा सा काम करना है, कमेंट बॉक्स में किसी भी एक गाड़ी का नाम एंटर करके लिखना है जो आपका मनपसंद होता है। ठीक है, तो आपका मन पसंदीदा कौन सी गाड़ी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वो मतलब कि मोटरसाइकिल का नाम, बाइक का नाम लिखना है आपको। अंदर जाता हूँ और बता देता हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है कि आपको कैसे क्या चेक करना है और कैसे पूरी डिटेल निकालनी है गाड़ी की, वन बाय वन हम आपको बताएंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पर अलाउ वाइल यूज ऐप पर क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपके क्षेत्र में जो भी पेट्रोल का दाम चलता है, जैसे पेट्रोल पंप होता है वहाँ पे जो भी आपके पेट्रोल का दाम होता है वो यहाँ पे आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर जाता है। उसके बाद डीजल का रेट यहाँ पे शो कर जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा, ये मतलब कि ये एप्लीकेशन में जो ये ऑप्शन दिया हुआ है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आपके क्षेत्र में जितने भी पेट्रोल का दाम है यहाँ पर शो कर जाएगा और डीजल का दाम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और मेरे को चीज़ अच्छा लगा, सबसे पहले यहाँ पे एक बाइक का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे, मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके क्षेत्र में जो भी एजेंसियाँ हैं, किसी भी कंपनी का एजेंसियाँ है, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी शो कर जाएगी। अगर आप किसी भी गाड़ी को लेना चाहते हैं, जैसे मैं हीरो को सेलेक्ट करता हूँ, और हीरो की किसी भी गाड़ी को आप रेट देखना चाहते हो ना, तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो भी गाड़ियाँ होंगी ना उसका रेट यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। आप खुद ब खुद देख करके यहाँ से चेक कर सकते हो कौन सी गाड़ी की कितनी रेट है आपके क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी गाड़ी को चेक करने के लिए, जानने के लिए कि कहाँ की ये गाड़ी है और किसके नाम से है, तो जानने के लिए आपको सिंपली करना क्या है कि ये वाला ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे। यहाँ पे आरसी सर्च लिखा हुआ है, सिंपली आप यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर एंटर करना है, जैसे मैं एंटर कर लेता हूँ, जैसे कि हम BR22, और उसके बाद हम एंटर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एंटर कर लिया, उसके बाद सर्च के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, सर्च करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐड आता है तो उसको आपको इग्नोर करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे गाड़ी का पूरी डिटेल आ जाती है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो गाड़ी है उसका फ़ोटो दिखा देगा यहाँ पे, जैसे कि ये लीवो का गाड़ी है तो यहाँ पे फ़ोटो दिखा देगा उसका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जिसके नाम से गाड़ी है यहाँ पर शो कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑनर, जो कि पहली बार की इस गाड़ी को कौन खरीदा था, तो यहाँ पर सारी की सारी फर्स्ट ऑनर और उसके नाम का गाड़ी है यहाँ पर उसका नाम शो कर जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैंने ब्लर किया है सिक्योरिटी
भी पर्पज़ के लिए, तो उसको इग्नोर करना आप, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नाम शो कर जाएगा, उसके बाद नीचे आओगे उसका गाड़ी का नंबर, उसके बाद किस कंपनी का है वो सारी चीज़ें दिखा देता, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, पेट्रोल, ठीक है, मतलब कि फ्यूल कौन सा है, और रजिस्ट्रेशन डेट, जो भी जिस दिन ये गाड़ी ख़रीदा गया है उसका डेट भी दिखा देता है, फिटनेस का डेट और व्हीकल एज यहाँ पे 2 ईयर, सारी चीज़ें यहाँ पे कलर वगैरह सारी चीज़ें शो कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल वन बाई वन कौन सी कंपनी की है और किस एजेंसी से लिया गया है वो भी यहाँ पे शो कर देता है। तो वन बाई वन सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं किसी भी गाड़ी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे ये पूरी डिटेल डाउनलोड कर सकते हो। कार डिटेल पे आप जैसे जाओगे तो और कुछ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन दी हुई है ताकि आप सही से यूज करके देख लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाती है आपके यूज लायक, तो आप जा करके ट्राई जरूर करना। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। आप प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद सर्च बार में जाना है, यहाँ पर लिखना है CARINFO, कार इन्फो लिखोगे और सर्च कर दोगे ना तो एप्लीकेशन फर्स्ट नंबर में आ जाएगी। आपको सिंपली करना क्या है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जैसा कि देख सकते हो कि ये एप्लीकेशन फर्स्ट नंबर में आ गई है, इसको डाउनलोड करना है।